साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नासिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो अभी मेरे साथ टाटा टियागो एक्स टी वेरियंट है और यह कार जो है अभी जस्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल न्यू है, दो तीन दिन पहले लिया मैंने इसको और ऑडोमीटर के अकॉर्डिंग 343 किलोमीटर जस्ट चली है। और ट्रिप ए में अगर देखें, सिटी राइड किया है मैंने ज़्यादा इसको, तो 14.4 का माइलेज है इसमें और अभी जस्ट इसको ट्राई कर रहे थे, 10 का माइलेज इसमें दे रहा था। यानी कि अभी जो है हम कोशिश करेंगे इसको ट्रिप बी को पहले जीरो कर लेते हैं और मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम कितना माइलेज हम गेन कर सकते हैं इससे, ये देखिए ट्रिप बी जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो चलिए ट्रिप बी मेरा जीरो है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल मोड में चलाएंगे इसको। हम 60 पे हम कॉन्स्टेंट रखेंगे इस कार को और 5 गियर में कंटिन्यू 60 किलोमीटर पर आवर में इसका मैक्सिमम माइलेज जो है वो हम कितना गेन कर सकते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये अभी मेरी कार थर्ड गियर में है और बिल्कुल स्मूथ चलाने का कोशिश करेंगे हम इसको, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर है और रोड भी बहुत अच्छा है, जिस कारण से हमें उम्मीद है कि यह अच्छा खासा माइलेज जो है वो हमको शो करेगी। ये MID का माइलेज है और बाकी टैंक टू टैंक क्या देगा वो तो हम कभी फिर कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर देखेंगे। और ये मेरी कार जो है अभी जस्ट आप देख पा रहे हैं 5th गियर में है और 60 के आसपास में ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल इसमें होता नहीं है। तो 60 पे हम कोशिश करेंगे, 60 और 70 के बीच में ऑलमोस्ट इसका मैक्सिमम माइलेज हम गेन करने का। और माइलेज के अकॉर्डिंग हम बता दें कि मेरा AC जो है वो अभी ऑफ है, AC ऑफ है मेरा अभी, तो इसको हम कुछ किलोमीटर ऑलमोस्ट अभी देख पा रहे हैं 0.7 किलोमीटर ही हुआ है, तो हम 2-4-5 किलोमीटर चलाते हैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं 4.3 किलोमीटर चली है मेरी कार और मेरी स्पीड जो है ऑलमोस्ट 60 पे कॉन्स्टेंट है और 26.5 अभी MID पे शो कर रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी 9.7 किलोमीटर मैंने इस कार को रन किया है और 29.7 बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए 29.8 किलोमीटर यानी कि इसका लाइव माइलेज जो है वो आप देख सकते हैं 30 ही है, 0 to 30 शो कर रहा है और अभी एग्जैक्ट 30 पे चल रही है ये। 10 किलोमीटर का माइलेज जो है अगर देखा जाए तो 29.7 ऑलमोस्ट 30 यह कार दे रही है MID के ऊपर। यदि हम इस तरीके से 50-60 के बीच में अगर हम कार को रन करते हैं तब इसकी माइलेज जो है वो आपको 29 प्लस रहती है। और एक और चीज़ बता दें आपको हम कि इस कार में जो है हम 3 लोग बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट, इस वेट जो है वेट की बात करें अगर तो 70 kg 65 kg के अराउंड में हम 3 लोग बैठे हुए हैं, देख पाएंगे एक बंदा पीछे है और एक मैं, तो 3 लोगों ने मिलकर इस कार का वेट काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 29.9 अभी भी शो कर रहा है 29.9, 10-11 किलोमीटर मैंने इस कार को चलाया है, काफ़ी अच्छा माइलेज है ऑलमोस्ट 50 प्लस पे मैंने इसको रखा है, 50-60 के बीच में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका माइलेज ऑल माई गॉड 30 किलोमीटर पर लीटर, बहुत ही एट्रैक्टिव माइलेज इसके अकॉर्डिंग। बट हाँ, इसको मैंने बिल्कुल इको मोड में चलाया है, सिर्फ और सिर्फ 45-50-60 के आसपास में इसको मैंने चलाया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।